में खुश आमदीद प्री प्राइमरी क्लासेस के लेबोरेटरी में जनाब। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हम डिवीजन मेथड कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से डिवीजन सीख ली होगी। तो आइए आज हम कुछ नए सम्स करते हैं। तो जनाब देखिए, पहला सम क्या है, 6 बाहर और 42 अंदर है। इट मींस कि हमने 6 का टेबल पढ़ना है 42 तक। तो जनाब 6 का टेबल जब हम 42 तक पढ़ते हैं तो 6 7 जा 6 को 7 तक पढ़ा तो 42 आए, तो 7 हमने बाहर लिखा, 42 के नीचे 42 लिखा, और इसके बाद ये कुछ भी नहीं, खत्म हो गया। तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया, क्रॉस। इसके बाद 40 अंदर है और 5 बाहर, तो आपने 5 का टेबल पढ़ना है 40 तक। तो जब हम 5 का टेबल पढ़ते हैं 40 तक, तो 5 8 से आता है 40, तो 8 आपने यहाँ लिख दिया, 40 यहाँ लिख दिया, और इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। इसके बाद इस समय क्या है, 64 अंदर है और 8 बाहर है, तो आपने 8 का टेबल पढ़ना है 64 तक। तो जब आप 8 का टेबल पढ़ते हैं 64 तक, तो 8 8 जा 8 यहाँ लिख दिया, 8 8 जा क्या होता है 64, 64 के नीचे 64 लिखा और कुछ भी नहीं बचा, तो लगा दिया क्रॉस। अब इसके बाद नेक्स्ट समय देखिए, 36 ब्रैकेट के अंदर और 4 बाहर है, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 36 तक। तो 4 9 जा 36, तो 9 यहाँ लिख दिया, 36 के नीचे 36, और ये हो गया फिनिश। अब कुछ नहीं बचा तो क्रॉस लगा दिया, क्लियर हो गई बात। अब अंदर लिखा है 90 और 9 बाहर, तो 9 का टेबल आप जब 90 तक पढ़ेंगे तो 90 किससे आएगा, 10 से, 9 10 जा 10 10 लिख दिया 90, तो 90 के नीचे 90, और कुछ नहीं बचा तो हमने कर दिया इसको क्रॉस। नेक्स्ट आप देखिए 72 अंदर है 8 बाहर है, तो 8 का टेबल आप पढ़ेंगे 72 से, तो 8 9 जा 9 बाहर आ गया और 72 इधर आ गया, इसके नीचे 72 में से 72 का 0 हुआ, कुछ नहीं बचा तो हमने लगा दिया क्रॉस। तो ये इस तरह बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि ये डिवीजन मेथड है, हमने ये डिवाइड किए हैं, जो नंबर बाहर होता है उससे हम क्या करते हैं डिवाइड, और जो इस साइड नंबर आते हैं ये आंसर होता है, ये आंसर होता है, ये क्या होता है आंसर होता है, डिवाइड का आंसर। यूं समझ लें कि 42 को हमने डिवाइड किया 6 से, तो आंसर क्या आया हमारा 7, इस तरह, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि बच्चों को हम इस तरह कराते हैं ताकि उनको अच्छी तरह समझ आ जाए। आपको यकीनन अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो आप वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे और ज्यादा आपको समझ मिलेंगे, वो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वेबसाइट आपको पता है ना कहाँ से आपने ओपन करनी है, आप पिन पोस्ट पर जाएंगे वहां से लिंक ओपन करेंगे, हो जाएगी वेबसाइट ओपन, कोई मुश्किल साइंस नहीं है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप एक बात हमेशा याद रखें, आपने इस वीडियो को देखने के बाद लाजमी सी बात है लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मैंने कहा था आपने कभी नहीं भूलना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और मुझे इजाजत दे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।